हेलो एवरीबडी, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ई सरल। दिस इज डॉक्टर शिवानी भार्गव। आज का जो हमारा सेशन है बच्चों, लिविंग वर्ड चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसके अंदर हम लोगों ने अभी तक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, दैट इज द ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस, इनका डिटेल डिस्कशन हम ऑलरेडी अपने इनिशियल सेशंस के अंदर कर चुके हैं। मैंने आपको बाइनोमियल सिस्टम पढ़ा दिया, ICBN के रूल्स एंड रेगुलेशंस हम लोग पढ़ चुके हैं, ट्राइनोमियल सिस्टम हम यहाँ तक हम अपने दो लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, आगे हम आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक पिछली दो क्लासेस में मैंने जितना पढ़ाया उसका भी NCERT डीकोड आज की ही सेशन में होगा। पहले थोड़ा सा मैं पढ़ाऊंगी एक हाथ टॉपिक, फिर उसके बाद शुरू से लेकर अभी तक का NCERT डिकोड करेंगे, ठीक है। तो आज बेसिकली मैं शुरुआत करने वाली हूँ, एक तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आपको पढ़ाऊंगी, स्पीशीज कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ाऊंगी, इसके बाद हम लोग नियो सिस्टमैटिक ओल्ड सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन वी कम टू द NCERT डिकोड, ठीक है। तो जितने भी बच्चे मेरा सेशन देख रहे हैं अपना NCERT अपने पास में रखिएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद हम NCERT डिकोड करेंगे इस चैप्टर की, और टैक्सोनॉमिकल एड्स वगैरह फिर इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू गाइस रेडी फॉर दिस क्लास, तो चलिए लेट्स बिगिन विद द क्लास। इससे पहले कि मैं सेशन की शुरुआत करूं, जो बच्चे नए हैं, मुझसे नए जुड़े हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो मैं शुरू करने से पहले ही बोलती थी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बिल्कुल नए हैं बच्चे जो मेरे बारे में भी नहीं जानते उनको मैं बता देती हूँ, मैं सिर्फ डॉक्टर शिवानी भार्गव, मैं पिछले 8 से 10 सालों से ऑनलाइन कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। मैं लाखों डॉक्टर्स को अभी तक यहाँ पर मेंटर कर चुकी हूँ। मैं ई सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर भी आप लोग के लिए अवेलेबल हूँ, मैं यहाँ पर आपके लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, तो आप ई सरल के पेड प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। प्लस ये एक टेलीग्राम चैनल है t.me/DrShivani, ये मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, इससे ज़रूर जुड़ जाइए। इससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा मोस्ट प्रोबेबली मैं आज इसके जितने भी मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, क्योंकि बच्चों का काफ़ी डिमांड है हैंड रिटन नोट्स का भी, तो हैंड रिटन नोट्स में सारा कुछ आपको टेलीग्राम पर अवेल करा दूंगी। आपको मेरे बारे में सारे अपडेट्स यहाँ से मिलते रहते हैं कि कब कौन सा सेशन आने वाला है, क्या होने वाला है, प्लस अगर आपको कोई इनपुट देना है तो ये आपके और हमारे कॉन्वर्जेशन का एक जरिया है, क्योंकि इसमें जो कमेंट सेक्शन वाला जो पार्ट होता है इस टेलीग्राम में, वो कमेंट्स मैं आपके पढ़ती हूँ, तो ये आपके और हमारे कनेक्टिविटी का एक जरिया है। तो मेक इट श्योर आप टेलीग्राम आज जरूर, और आपको सारा स्टडी मटेरियल यहाँ मिलेगा, मेरे हैंड रिटन नोट्स भी आपको यहीं मिलेंगे, ठीक है। एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ माई टीम फॉर एनी सब्सक्रिप्शन रिलेटेड क्वेरी, अगर आपको सब्सक्रिप्शन रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर बात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है, और उसमें भी अगर आप स्पेसिफिकली, वैसे तो ई सरल बहुत ही यूनिक तरीके से लेता है, इसमें 4 लेयर डाउट सॉल्विंग, 4 लेयर मेंटरशिप है, आपको ऐसा नहीं कि जस्ट वीडियोस मिल रहे हैं, 1-on-1 इंटरेक्शन होगा आपके एडुकेटर के साथ, आपको आपके हिसाब से पर्सनलाइज टाइम टेबल दिया जाएगा। और उसमें भी अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली शिवानी मैम की मेंटरशिप मुझे चाहिए, मैं मैम के सुपर 80s का पार्ट बन के अपनी नीट की जर्नी को तय करना चाहता हूँ, तो आप इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आपके सब्सक्रिप्शन लेते वक्त आपका नाम सुपर 80s के साथ मेरे नाम के रेफरेंस के साथ ड्रॉप कर दीजिएगा। आफ्टर टेकिंग योर सब्सक्रिप्शन आई विल पर्सनली कॉन्टैक्ट यू, ओके। सो या लेट्स बिगिन विद, ये सब हैंड रिटन, ये सारा PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, ठीक है। ई सरल का ऐप जरूर डाउनलोड कर ले, बहुत सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है वहां पर, टेस्ट मिलते हैं, और मैं भी बहुत जल्दी वहां पर मॉक टेस्ट लगाऊंगी, ठीक है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा ग्रोथ के बारे में, ये पूरा रिप्रोडक्शन, भूली बिसरी यादें सब याद आ रही होंगी, ये हम पढ़ चुके हैं, मेटाबॉलिज्म में डिस्कस कर चुकी, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हमने पढ़ा, कॉन्शियसनेस क्या है पढ़ा, बायनोमियल सिस्टम, लीनियस जो फाउंडर ऑफ बायनोमियल सिस्टम थे, ICBN के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस मैंने आप लोग के साथ डिस्कस किए, ट्राइनोमियल सिस्टम मैंने आपके साथ डिस्कस किया, टैक्सोनॉमी से पहले, टैक्सोनॉमी से शुरुआत नहीं कर रही यार, ओल्ड सिस्टमैटिक, न्यू सिस्टमैटिक यहाँ से नहीं, हम आज करेंगे अपना, सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ स्पीशीज कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं, ठीक है। चलो तो स्पीशीज कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, आज NCERT डीकोड होगा बेटा, है ना, NCERT पढ़ेंगे आज पूरा इस चैप्टर का। सबसे पहले नाम इसमें हम पढ़ते हैं एक जॉन रेसर का, ही प्रपोज द टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, ठीक है। एक तो आप पढ़ते हो जॉन रेसर के बारे में, जॉन रे, ही प्रपोज्ड
द टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज. जॉन रे ही प्रपोज्ड द टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज. अब इसमें सबसे पहले मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो अर्नेस्ट मेयर साहब का दिया हुआ है. ठीक है, इन्होंने दिया, ही प्रपोज्ड इनका दिया हुआ है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज. अब क्या है ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, पहले मैं आपको ये बता देती हूँ. ठीक है, स्पीशीज कॉन्सेप्ट में एक तो आप टैक्सोनॉमिक स्पीशीज पढ़ते हैं, एक हम ये बायोलॉजिकल स्पीशीज पढ़ते हैं, और एक हम सिबलिंग और क्रिप्टिक स्पीशीज पढ़ेंगे. तो एक एक करके इनके ऊपर हम चर्चा करेंगे. सबसे पहले वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज. तो सबसे पहले तो इनका नाम आता है कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज किसका दिया हुआ है. तो ये मेयर साहब ने दिया. बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के मुताबिक सेम स्पीशीज के मेंबर्स वो होंगे जो आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सके. समझे क्या बताया मैंने, कि अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के अनुसार सेम स्पीशीज के मेंबर्स वो कहलाएंगे, उन्हें आप सेम स्पीशीज में कंसिडर आउट करेंगे, जो आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल, यानी कि वो भी फर्टाइल होनी चाहिए ऑफस्प्रिंग, स्टराइल नहीं, एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सके. यानी कि मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्फ एंड कैन प्रोड्यूस द फर्टाइल ऑफस्प्रिंग. ये बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के अनुसार सेम स्पीशीज के मेंबर है. लेकिन इनकी ये जो डेफिनेशन थी स्पीशीज की, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज की, ये अधूरी है, इट वॉज इनकम्प्लीट. क्या कारण है कोई मुझे बता पाएगा, क्यों हम कहते हैं कि ये जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है, ये पूरी नहीं है? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर बात चल रही है सिर्फ और सिर्फ सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स की. बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, कितने सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेजेंट होता है. सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो है ही नहीं उनके अंदर, तो उनके बारे में क्या? तो उनके बारे में कोई जानकारी बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज ने नहीं दी. बस बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में यही पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं. तीन पॉइंट बताए बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में. सबसे पहला किसका दिया हुआ है, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज अर्नेस्ट मेयर साहब ने दिया. दूसरा कि क्या कहता है बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, तो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के अनुसार सेम स्पीशीज के मेंबर्स वो कहलाएंगे जो आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सके. ठीक. तीसरा पॉइंट कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज का ही जो बट दिस डेफिनेशन ऑफ मेयर वाज इनकम्प्लीट. क्यों? क्योंकि इन्होंने बात की बिकॉज दे एक्सप्लेन ओनली अबाउट द सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, बट देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म हु हैव ओनली ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जैसे कि बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, इनके बारे में कोई बात इन्होंने नहीं की. बस आपके सिलेबस में बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के बारे में यही कॉन्सेप्ट है. ये तीन पॉइंट्स हैं जो मेरे हिसाब से आप सभी को समझ में आ गए होंगे. तो पहले बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज हम लिख लेते हैं, देन वी विल हैव अ कॉन्वर्सेशन अबाउट द टैक्सोनॉमिक स्पीशीज. ओके, लेट्स गेट स्टार्ट विद दिस. अकॉर्डिंग टू biological concept of species, क्या होगा? members of same species के जो members होंगे, member of same species can
interbreed among themselves. And can produce interbreed करके and can produce fertile offspring. ये है biological concept of species कि same species के members वो होंगे जो आपस में interbreed करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सके. यानी कि बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीशीज जो है वो इंटरब्रीडिंग के ऊपर बेस्ड है. लेकिन क्या, बट दिस डेफिनेशन ऑफ मेयर वॉज इनकम्प्लीट. बट दिस डेफिनेशन of Mayer was incomplete. क्यों ऐसा कहा मैंने? Because इन्होंने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बताया? Because they explain, they describe only about, उन्होंने सिर्फ किसके बारे में बताया? They describe only about asexual, only about sexually reproducing organism. सिर्फ इन्होंने इसके बारे में बताया. ऐसे बहुत सारे organ, but there are many organisms, बहुत सारे organisms ऐसे हैं बेटा, but there are many organisms who have only, जिनके पास सिर्फ और सिर्फ asexual mode of reproduction है, who have only asexual mode of रिप्रोडक्शन. इसका एग्जाम्पल जो है बैक्टीरिया, दे हैव ओनली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ना, इनके बारे में कोई बात नहीं हुई. माइकोप्लाज्मा, दे हैव ओनली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ना, इनके बारे में क्या? सो दैट इज द ड्रॉबैक, दैट इज वन लैक ऑफ biological concept of species which was given by the Mayer sir. तो ये हमने biological concept of species के बारे में पढ़ा. मतलब ये mainly interbreeding के ऊपर based है. ठीक है, biological concept of species was mainly based on interbreeding. तो इसके अनुसार जितने भी human beings हैं पूरे विश्व के अंदर, all the, चाहे negroes हो, चाहे Americans हो, चाहे Indians हो, कोई भी हो, all the human beings in the world, they are the member of same species. क्यों? क्योंकि हम सब आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकते हैं. रिप्रोडक्शन सब में संभव है. ठीक है, और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जनरेट होगी उससे. तो ऑल द ह्यूमन बीइंग्स इन द वर्ल्ड, दे आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज अकॉर्डिंग टू द बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है, तो इसमें ये वाला पॉइंट लिख लो कि जो बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, बायोलॉजिकल concept of species, it is mainly based on interbreeding. So all the humans, according to it, all the humans in the world, all the humans in the world, yeah, they are one biological species. Yeah, same biological species hai, because
ये सब आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, दैट्स इट। मतलब बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज जो है ये मेनली आपके इंटरब्रीडिंग के ऊपर ही बेस्ड है। तो इसके अनुसार सारे ह्यूमन बीइंग्स जो हैं इस वर्ल्ड के अंदर दे आर द मेंबर ऑफ सेम स्पीशीज, क्योंकि हम सब आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो हमने बात की बायोलॉजिकल स्पीशीज के बारे में। एक कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो, दैट इज अबाउट द टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। जैसे कि बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज मेनली इंटरब्रीडिंग के ऊपर बेस्ड है, ऐसे में अगर टैक्सोनॉमिक स्पीशीज की बात करूं तो ये मेनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज हैव सिमिलर मॉर्फो, अकॉर्डिंग टू द टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट मेंबर्स ऑफ सेम स्पीशीज हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, या फिर ये कहते टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज इज मेनली बेस्ड ऑन द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। तो मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज हैव सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये है टैक्सोनॉमिक स्पीशीज। लिख लो, अकॉर्डिंग टू द टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट, अकॉर्डिंग टू टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज According to the taxonomic concept, members of same species, according to the taxonomic concept, members of same species have similar morphological According to the taxonomic concept, members of same species have similar morphological character. Similar या same एक ही बात है, पर तुम same लिख दो ज़्यादा सही है. They have same morphological character. तो इनको मतलब जो morphologically similar हैं, उनको आप कह दोगे एक taxonomic species. For example, मैं बात करूँ. अब आप बताइएगा ब्रसिका, ऑलरेशिया, बॉट्राइटिस, ब्रसिका, कॉलीफ्लावर, कैबेज, नॉल नॉल की बात कर रही हो ना? ब्रसिका ट्राइनोमियल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके, खैर तुम्हें पता होगा किसका बॉटनिकल नेम है, ब्रसिका, ऑलरेशिया, कैपिटाटा एंड ब्रसिका, ऑलरेशिया, कोलोरापा। ब्रसिका, ऑलरेशिया, बॉट्राइटिस, ब्रसिका, ऑलरेशिया, कैपिटाटा एंड ब्रसिका, ऑलरेशिया, कोलोरापा। अभी मैंने जितना स्पीशीज कॉन्सेप्ट वगैरह आपको पढ़ाया उसके अनुसार ये जो है ये इनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सेम है। तो ये एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है, दे आर वन टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के अनुसार तो ये सेम स्पीशीज है, लेकिन बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज आपस में इंटरब्रीड करके एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को जनरेट, तो ये तीन एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है लेकिन तीन अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीशीज है, थ्री बायोलॉजिकल स्पीशीज है। समझे? ओके, क्या बोला कि भाई जो है ना ब्रसिका, ऑलरेशिया, बॉट्राइटिस, ब्रसिका, ऑलरेशिया, कैपिटाटा, ब्रसिका, ऑलरेशिया, कोलोरापा, ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है। तो मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर टैक्सोनॉमिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज के अनुसार सेम स्पीशीज के मेंबर्स होते हैं, तो ये एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है लेकिन इनमें कोई इंटरब्रीडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये तीन अलग अलग बायोलॉजिकल स्पीशीज है लेकिन एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है।
आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा. बस दैट्स इट, इट इज़ ऑल अबाउट द टैक्सोनॉमिक स्पीशीज. यही है, बायोलॉजिकल स्पीशीज इज बेस्ड ऑन इंटरब्रीडिंग, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. ये भी लिख लो यहाँ पर, ये जो टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज इज बेस्ड ऑन, इट इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. टैक्सोनॉमिक स्पीशीज इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर. आई थिंक ये क्लियर हो गया. आपने क्लियर है बेटा यहां तक? तो ये हमने पूरा डिस्कस कर लिया टैक्सोनॉमिक स्पीशीज. मैंने आपको बताया इसमें तीन चीजें पढ़ेंगे, बायोलॉजिकल स्पीशीज विच वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज जो हमने डिस्कस कर लिया, लास्ट इसमें जो बचता है दैट इज द सिबलिंग. और क्रिप्टिड स्पीशीज सिबलिंग और क्रिप्टिंग स्पीशीज ये क्या होता है? देखो, सिबलिंग और क्रिप्टिंग स्पीशीज एक्चुअली इसमें ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे लेकिन रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होंगे. मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, उन्हें आप कहते हैं सिबलिंग और क्रिप्टिंग स्पीशीज. अब मैं कह रही हूँ मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर, तो आप ये कह सकते हो कि सिबलिंग और क्रिप्टिंग स्पीशीज एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज होंगे क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलर है. रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड है तो यानी कि डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज होंगे. तो सेम वन टैक्सोनॉमिक एंड डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज आर द सिबलिंग और द क्रिप्टिक स्पीशीज. ठीक है, लिख लो. तो सिबलिंग और क्रिप्टिक स्पीशीज की अगर हम बात करें, दे आर, ये मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे, दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर बट रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड. इसका मतलब मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर का मतलब हो गया मींस दे आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर है, यानी कि एक टैक्सोनॉमिक स्पीशीज है, दे आर वन टैक्सोनॉमिक. और रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है यानी कि डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीशीज. इसे आप कहते हैं सिबलिंग और क्रिप्टिक स्पीशीज. मैंने क्रिप्टिंग पता नहीं क्या लिखा है, रुक जाओ. आई थिंक इट इज क्लियर. दिस इज ऑल अबाउट द स्पीशीज कॉन्सेप्ट. तो ये तीनों पॉइंट्स ही मुझे डिस्कस करने थे स्पीशीज कॉन्सेप्ट में आपको, कि एक तो जॉन रे ने ही प्रपोज द टर्म एंड कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज, फिर बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज क्या है, टैक्सोनॉमिक स्पीशीज क्या है, और सिबलिंग और क्रिप्टिक स्पीशीज क्या है. ये तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी. अब मैं आपके साथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एक पॉइंट डिस्कस. तो अब सुनो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के बारे में. तो पहली बात, क्लासिफिकेशन इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस ना, इट इन्वॉल्व अ हायरार्की ऑफ स्टेप. तो इसका हर एक स्टेप को आप रैंक या टैक्सॉन कहते हैं. ठीक है, अब जिसमें अडॉल्फ मेयर साहब थे, इन्होंने टर्म टैक्सॉन दिया फॉर एनिमल्स, एंड एच जे लैम, इन्होंने टर्म टैक्सॉन दिया फॉर द प्लांट्स. ठीक है, तो पहले से ये सिंपल सी चीज लिख लो कि बताएं कि क्लासिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो एक सिंगल स्टेप में तो होता नहीं है, इसमें बहुत सारी स्टेप्स इन्वॉल्व होती है. क्लासिफिकेशन इज नॉट अ, क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप
प्रोसीजर नहीं है, इट्स नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस. इट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप. इसका हर एक स्टेप जो है, ईच स्टेप कॉल्ड, इसको आप रैंक या टैक्सॉन कहते हैं. इसमें कुछ साइंटिस्ट के नाम के बारे में पढ़ते हैं. एक है एडोल्फ मेयर साहब, एडोल्फ मेयर, और एक है एच जे लैम. मेयर साहब की मैं बात करूं, ही प्रपोज्ड द टर्म टैक्सॉन फॉर, इन्होंने ये टैक्सॉन टर्म जो है प्रपोज किया था एनिमल्स के लिए. और एक है लैम साहब, ही प्रपोज द टर्म टैक्सॉन फॉर प्लांट्स. He proposed the term. चिंता मत करो, अभी एनसीईआरटी डिकोड करूंगी. टैक्सॉन फॉर प्लांट्स, ठीक है. इन्होंने टर्म टैक्सॉन दिया प्लांट्स के लिए. तो आई थिंक ये क्लियर हो गया. अब जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है क्या, तो ध्यान से सुनो. कुछ है आपकी, देयर आर सेवन ब्रॉड या फिर कह दीजिए ऑब्लिगेट या फिर कह दीजिए असेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है. हमारे पास सेवन ब्रॉड या फिर कहिए ऑब्लिगेट या फिर कहिए असेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है. इसका मतलब होता है दे मस्ट बी यूज एट द टाइम ऑफ एनी क्लासिफिकेशन. हम कोई भी क्लासिफिकेशन दे रहे हैं तो आपको इन सात कैटेगरीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, इसके बिना क्लासिफिकेशन संभव नहीं है, ठीक है. तो सेवन ब्रॉड, ऑब्लिगेट मतलब कंपल्सरी है. तो सेवन ब्रॉड और ऑब्लिगेट और असेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है. ये जो ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, ये सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज जो हैं, सेवन ऑब्लिगेट कैटेगरीज मस्ट बी यूज्ड, इनको इस्तेमाल करना ही पड़ेगा एट द टाइम ऑफ एनी, मैं कोई भी प्लांट क्लासिफिकेशन दे रही हूँ, एनी प्लांट क्लासेस. तो मुझे इन सात असेंशियल और ऑब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, मैं इसके अलावा नहीं कर सकती हूँ. तो व्हाट फॉर दैट सेवन ब्रॉड और असेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, वो है कौन सी? तो वो सेवन असेंशियल ब्रॉड टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं किंगडम, एक तो किंगडम, डिवीजन, क्लास, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ये आपकी सात असेंशियल और ब्रॉड और एब्लिगेट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है. किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, दे मस्ट बी यूज एट द टाइम ऑफ एनी प्लांट क्लासिफिकेशन. मुझे इन सब के बारे में बताना ही पड़ेगा, ठीक. अब इसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो ये कि आप टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जब व्हेन वी गो फ्रॉम, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आओगे आप जब टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में, मतलब आप व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, फ्रॉम हायर टैक्सॉन टू लोअर टैक्सॉन की तरफ आओगे, ठीक है. जब आप, क्या मैंने बोला, व्हेन we move from kingdom
टू स्पीशीज, किंगडम से स्पीशीज की तरफ आ रहे हो आप. व्हेन वी मूव फ्रॉम किंगडम टू स्पीशीज, इसका मतलब मीन्स वी मूव फ्रॉम, आप हायर टैक्सॉन से लोअर टैक्सॉन की तरफ जब आओगे, फ्रॉम हायर टैक्सॉन टू लोअर टैक्सॉन, तो क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विच दे शेयर, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विच दे शेयर इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, लेट मी नो इन द चैट सेक्शन. मतलब कुल मिला के वो ये पूछ रहा है, आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव कर रहे हो, आप हायर टैक्सॉन से लोअर टैक्सॉन की तरफ आ रहे हो, अगर आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव कर रहे हो, यानी कि आप हायर टैक्सॉन से लोअर टैक्सॉन की तरफ आ रहे हैं, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विच दे शेयर, अपोजिट एरो लगेगा, इंक्रीज. वैसे भी क्लियर है ना, किंगडम के कंपेयर में सेम फैमिलीज के मेंबर्स जो होंगे उनके कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा सेम होंगे, है ना. तो जब ऊपर से नीचे आते हो, किंगडम से स्पीशीज की तरफ आते हो, हायर टैक्सॉन से लोअर टैक्सॉन की तरफ मूव कर रहे होते हो, तो क्या होता है, जब आप हायर टैक्सॉन से लोअर टैक्सॉन की तरफ मूव कर रहे होते हो, तो क्या होता है, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विच दे शेयर क्या होगा बेटा, बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विच दे शेयर इंक्रीज. वैसे तो कॉमन सेंस है, तुम्हें आना भी चाहिए कि भाई तुम्हें तुलना करोगे तो समझ में आएगा कि सेम किंगडम से कंपेयर में सेम स्पीशीज के मेंबर्स में कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होंगे. याद करने का एक तरीका भी ये है, अपोजिट एरो का सिंबल आएगा, ऊपर से नीचे आ रहे हो तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर अपोजिट एरो लगा दो, यानी कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. और अगर वो कह दे कि अगर ऐसा हो रहा है कि आप स्पीशीज से, आप लोअर टैक्सॉन से हायर टैक्सॉन की तरफ मूव कर रहे हो, व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर टैक्सॉन टू हायर टैक्सॉन, यानी कि व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, लिख लो, तो यहां पर नंबर ऑफ विच दे शेयर, यहां तो इंक्रीज हो गया, ठीक है. दूसरा मैंने बोला व्हेन वी मूव फ्रॉम, आप लोअर टैक्सॉन से, व्हेन वी मूव फ्रॉम लोअर टैक्सॉन टू हायर टैक्सॉन, मतलब मींस फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम, तो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विच दे शेयर, इनका क्या होगा. भाई मैं स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव कर रही हूं ना, नीचे से ऊपर, तो एरो उल्टा आएगा, तो विच दे शेयर यहां पर डिक्रीज होगा. नीचे से ऊपर जाओगे तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर डिक्रीज होगा, तो यहां पे लिख दो विच दे शेयर डिक्रीज. और ये मैंने आपको बता ही दिया कि इसका ऐसे हर एक रैंक जो है, इसको हर एक, इसको आप क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड टैक्सॉन, इसको आप कहते हैं टैक्सॉन, ठीक है. तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, अधिकतर क्वेश्चन यहां से आते हैं, अगर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी से आते हैं तो इसका एक तो हायरार्की याद होना चाहिए, पहले किंगडम, देन डिवीजन, देन क्लास, देन ऑर्डर, देन फैमिली, देन जीनस, देन स्पीशीज. ये है ब्रॉड यानी कि असेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, कंपलसरी है ये, कोई भी क्लासिफिकेशन दे रहे हो तो आप इनके बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है. दे मस्ट बी यूज एट द टाइम ऑफ एनी क्लासिफिकेशन.
फिर हमने पढ़ लिया कि आप इसकी हर एक रैंक को टैक्सॉन, जैसे किंगडम एक टैक्सॉन है, डिवीजन एक टैक्सॉन है, क्लास एक टैक्सॉन है, इसकी हर एक स्टेप को टैक्सॉन कहते हैं, रैंक या टैक्सॉन कहते हैं। फिर हमने पढ़ लिया कि भाई अगर आप हायर टैक्सॉन से लोअर टैक्सॉन की तरफ मूव कर रहे हो, यानी कि आप किंगडम से, आज पता नहीं क्यों नेक में ज़बरदस्त पेन हो रहा है इसलिए आप देख रहे होंगे मैम का नेक का मूवमेंट ही अलग है आज। हाँ, तो अगर आप किंगडम से स्पीशीज की तरफ मूव कर रहे हैं, आप हायर टैक्सॉन से लोअर टैक्सॉन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर्स विच दे शेयर इंक्रीज, और अगर आप लोअर टैक्सॉन से हायर टैक्सॉन की तरफ मूव कर रहे हैं, स्पीशीज से किंगडम की तरफ मूव कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर विच दे शेयर डिक्रीज, मतलब सिंबल अपोजिट जाएगा, ये इधर है तो ये वाला सिंबल लगाया, ये ऐसा है तो ये वाला सिंबल, सिंपल है, कॉन्सेप्ट भी सिंपल है वैसे, कंसेप्चुअली भी याद होगा, ठीक है। तो ये तो हमने असेंशियल कैटेगरी, एक कुछ एक्स्ट्रा कैटेगरीज भी होती हैं, मतलब अगर इनका इस्तेमाल कब होता है, असेंशियल नहीं है ये, जब इनकी, व्हेन दे आर रिक्वायर्ड दे आर यूज्ड, ठीक है। देयर आर सम एडिशनल और एक्स्ट्रा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इनका इस्तेमाल कब होगा, विच आर यूज्ड अगर आवश्यकता है तो कहते हैं, व्हेन दे आर नीड, असेंशियल नहीं है ये। जैसे कि कौन कौन सी है, सब डिवीजन होता है, ठीक है, सब ऑर्डर है, सब फैमिली है, ऐसे होता है, सब डिवीजन है, सब ऑर्डर है, सब फैमिली है, ये कुछ ऐसे एडिशनल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं। खैर, इसके आगे भी चर्चा चलेगी, क्योंकि फिर अभी फिर क्लास बहुत लंबा हो जाएगा, पहले मैं थोड़ा सा एनसीईआरटी डीकोड करती हूँ फिर हम करेंगे। अभी क्योंकि मैंने आपको ओल्ड सिस्टमैटिक्स न्यू सिस्टमैटिक नहीं पढ़ाया था, एनसीईआरटी में आएगा तो मैं भी फिलहाल स्किप करूँगी, क्योंकि पहले मैं पढ़ाऊँगी फिर मैं उसका एनसीईआरटी डीकोड करूँगी। टैक्सोनॉमिकल एड्स अभी हमने नहीं पढ़ी तो वो आएंगी, तो पहले मैं उसको स्किप करूँगी, फिर पहले मैं पढ़ाऊँगी फिर हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसकी, ठीक है। ये देखो बेटा, आप लोग भी अपनी अपनी एनसीईआरटी निकाल लो, तो कोई काम तो सबसे पहले मैं, अभी तक मैंने दो सेशन और आज के सेशन में जितना पढ़ाया, पहले मैं आज उतना एनसीईआरटी डिकोड करती हूँ, फिर समय मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, व्हाट इज लिविंग, तो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं व्हाट इज लिविंग के बारे में। एनसीईआरटी प्लीज अपनी अपनी ओपन अप कर लेना, नोट्स आपके पास हैं तो आपको चीजें समझ में आएंगी कि हाँ भाई ये किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। अब सुनते जाओ, वी ट्राई टू डिफाइन द लिविंग, वी कन्वेंशनली लुक फॉर डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर विच इज एग्जिबिटेड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या क्या कैरेक्टर्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के, हमने पांच पढ़े, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। तो वो यहां पे कह रहे हैं ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन एबिलिटी टू सेंस एनवायरमेंट एंड माउंट ए सूटेबल रिस्पॉन्स, यानी कि ये बात कर रहा है एबिलिटी, यानी कि यहां पर ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, एंड माउंट, यानी कि ये बात हो रही है, ये बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो एक ग्रोथ हो गया, एक रिप्रोडक्शन है, एबिलिटी टू सेंस द एनवायरमेंट एंड माउंट ए सूटेबल रिस्पॉन्स कम टू आवर माइंड, यानी कि कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है। ठीक है, वन कैन एड फ्यू मोर फीचर्स, साथ साथ हमने और क्या क्या पढ़े थे बेटा, हमने इसमें ग्रोथ पढ़ लिया, रिप्रोडक्शन पढ़ लिया, ये कॉन्शियसनेस हो गया, इसका मतलब तो तुम्हें क्लियर हो ही गया होगा। उसके अलावा क्या है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म, एबिलिटी टू सेल्फ रेप्लीकेट, सेल्फ ऑर्गेनाइज, इंटरेक्ट एंड इमर, लेट्स ट्राई ईच ऑफ दिस। और एक हमने पढ़ा है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जो यहाँ पर कहीं मिसिंग है, तो आप यहाँ पर एनसीईआरटी में एक और ऐड कर लो, यहाँ पर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन,
इसलिए ऐसे दे रखा है एनसीईआरटी ने, समझ में सारी चीजें आ रही होगी, हमने ये पूरा अच्छी तरीके से पढ़ा है। तो ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग हो गए, ठीक है। अब इसमें वो आगे बढ़ते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सबसे पहले ग्रोथ की बात करें, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ शो करते हैं, करेक्ट है। इंक्रीज इन मास, एज आई ऑलरेडी डिस्कस्ड, एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड, कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दे आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। हमने यही बात की थी, ग्रोथ की बात करी थी, कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दीज आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। फिर वो कह रहा है कि अगर मैं एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूं, आई एम सो सॉरी बेटा ज्यादा कर दिया क्या, हाँ, एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन। प्लांट्स की मैं बात करूं, दिस ग्रोथ इज बाय द सेल डिवीजन। अब वो ग्रोथ में हमने पढ़ा था, एक होती है डिटर्मिनेट ग्रोथ, एक है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ। इनडिटर्मिनेट ग्रोथ अनलिमिटेड ग्रोथ जो थ्रू आउट द लाइफ चलती रहेगी, जो प्लांट्स शो करते हैं, उसने कह दिया द ग्रोथ बाय सेल डिवीजन आकर कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन। यानी कि यह इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की बात कर रहा है, जो प्लांट्स में कंटिन्यूअसली पूरी जिंदगी चल रहा है। एनिमल्स के अंदर है, दिस ग्रोथ इज सीन अप टू अ सर्टेन एज, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ग्रोथ होगी, बियॉन्ड दैट ग्रोथ इज नॉट पॉसिबल। यानी कि डिटर्मिनेट ग्रोथ कह दिया इसने और इसको एनिमल्स में डाल दिया। समझ में आया एनसीईआरटी का तरीका, बात वही है, ये कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन, यानी कि वो बात कर दी उसने इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की, हमने जो पढ़ा है इनडिटर्मिनेट ग्रोथ, ठीक है। और दिस ग्रोथ एनिमल्स के अंदर उसने कहा एक सर्टेन एज तक ही ग्रोथ हो रही है, यानी कि वो बात कर रहा है यहां पर डिटर्मिनेट। ये एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका है, नीट 2023-24 वालों, तुम इस तरीके के सेशंस लगा लो। मैं पहले क्लास में पढ़ा रही हूँ, फिर मैं ऐसे एनसीईआरटी डीकोड कर रही हूँ। सिलेक्शन तो कोई नहीं रोकना, तुम रैंक डिसाइड कर लो, हम रैंक क्रैक कर लेंगे वो। और एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ना है, साफ सुथरी रखने के लिए नहीं बनाई गई है, ठीक है। वैसे तो मैं बोल के समझा देती थी पहले कि ऐसे घर जाके एनसीईआरटी पढ़ लेना, बट महानालायक बच्चे हैं मेरे, है ना, कुछ नहीं करते, तो इस बार वो भी मैं खुद करके दूंगी अपने हर सेशन में, ठीक। आ जाओ, अब वो कह रहा है कि जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं ग्रो बाय सेल डिवीजन, ओके, वन कैन इजीली ऑब्जर्व दिस इन विट्रो कल्चर बाय सिंपली काउंटिंग द नंबर। ये ग्रोथ को देख सकता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, वो माइक्रोस्कोप में देखेगा, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए यानी कि ग्रोथ हो गई, ठीक है। इन मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल एंड प्लांट ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, एज वी डिस्कस, कि मेजोरिटी ऑफ हायर एनिमल्स में तो हमने पढ़ा है, हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स के अंदर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। लेकिन वन मस्ट रिमेंबर दैट इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। बहुत सारे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ऐसे हैं, ये भी ग्रोथ शो करते हैं, यानी कि ये नॉन डिफाइनिंग फीचर हो गया। उसने टर्म नहीं यहाँ पे ऐसी दी, यानी कि समझ के नॉन डिफाइनिंग फीचर है, क्योंकि कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म शो कर रहे हैं। इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज द क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ, अगर आप बॉडी मास के बढ़ने को ही ग्रोथ का क्राइटेरिया मान रहे हैं, तो कह रहा है माउंटेन्स, बोल्डर्स, सैंड माउंट्स, ये भी तो बढ़ते हैं, इनका साइज बढ़ जाता है ना, मास बढ़ जाता है, तो ये भी ग्रोथ है। तो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ग्रोथ को शो कर रहे हैं, यानी कि दैट्स वाई हमने वो बोला था कि ये नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, एनसीईआरटी ने कह दिया ये अपनी भाषा में। अब देखो, अब आगे क्या कह रहा है, हाउएवर दिस काइंड ऑफ ग्रोथ एग्जिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन द सरफेस। एज आई टोल्ड यू कि एक हमने पढ़ा था एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होता है, जो बाहरी तौर पर है, दैट इज द एक्यूमुलेशन ऑफ मटीरियल ऑन द सरफेस। तो जितने भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को शो करते हैं, तो यही चीज उसने बोल दी। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज फ्रॉम इनसाइड, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ इंट्रिंसिक ग्रोथ को शो करते हैं। तो मैंने अपने नोट से पढ़ाया था कि इंट्रिंसिक ग्रोथ इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ को ही शो कर रहे हैं। NCERT का सिर्फ तरीका अलग है, बाकी है वही नोट से रिलेट कर पा रहे होंगे। देखो, ग्रोथ देयरफोर कैन नॉट बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ को इसलिए आप डिफाइनिंग प्रॉपर्टी की तरह नहीं ले सकते, क्यों, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ शो करते हैं, बट नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी ऐसे हैं जिसमें ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है। कंडीशन अंडर विच इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इन ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव टू बी एक्सप्लेन्ड, देन वी कैन अंडरस्टैंड दैट इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग सिस्टम। क्योंकि डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करता, ऑलरेडी पढ़ा है भाई, फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही तो एक है ग्रोथ। तो ये उसने ग्रोथ के बारे में, उसने देखा जाए तो डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट ग्रोथ बता दिया,
उसने इंट्रिंसिक ग्रोथ एक्सट्रिंसिक ग्रोथ बता दिया, इन्होंने लोकलाइज्ड और डिफ्यूज ही नहीं बताया, वो मॉर्फोलॉजी में कहीं पढ़ लेते हैं, वो मैंने आपको एक एक्स्ट्रा पॉइंट करवाया था। नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है ये बता दिया इसने, इसने ये बता दिया कि इंट्रिंसिक ग्रोथ लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। तो यही सारी चीज़ें तो पढ़ी थी हमने ग्रोथ के बारे में, ठीक है। बियॉन्ड एनसीईआरटी एक पॉइंट गया नोट से, लोकलाइज्ड और डिफ्यूज फॉर्म ऑफ ग्रोथ, लेकिन ये आपको लग रहा है ये बियॉन्ड एनसीईआरटी, पर ये बियॉन्ड एनसीईआरटी नहीं, ये दूसरे चैप्टर में कहीं दे रखा है, ठीक। आगे आ जाओ, अब सेकंड कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं वो, दैट इज अबाउट द रिप्रोडक्शन, ठीक। रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, ऑलरेडी पढ़ रहा है हमने, पांच कैरेक्टरिस्टिक्स में से ही तो एक है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन रेफर टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेनी, नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करना जिसके फीचर्स कुछ अपने पेरेंट से मिलते जुलते होंगे। इनवेरिएबली एंड इम्प्लिक्टली वी रेफर टू द, मतलब हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म कैन, हमने बात की थी रिप्रोडक्शन ए सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, ठीक है। जैसे कि हमने एसेक्सुअल में पढ़ा था, एसेक्सुअल स्पोर्स से होता है, पढ़ाया था हमने एसेक्सुअल स्पोर्स, उसमें लिखा फंगी मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड, फंगी उसका एग्जांपल दे दिया हमने ऑलरेडी लिखा है, ठीक है। लोअर ऑर्गेनिज्म लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग के थ्रू होता है, वी ऑब्जर्व बडिंग, ये हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा ट्रू रीजनरेशन, प्लेनेरिया फ्लैटवॉर्म, वी ऑब्जर्व ट्रू रीजनरेशन। ट्रू रीजनरेशन का मतलब क्या है? एक फ्रेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म अपने लॉस्ट पार्ट ऑफ बॉडी को रीजनरेट करके एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, ठीक है। द फंगी, द फिलामेंटस एल्गी एंड द प्रोटोनेमा ऑफ मैस मॉस ऑल इजीली मल्टीप्लाई बाय द फ्रेगमेंटेशन। हमने ये सारा पढ़ा है, रिप्रोडक्शन वाले नोट्स निकालो। एक पढ़ा आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर आपने पढ़ा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल स्पोर से पढ़ा हमने, हमने बडिंग से पढ़ा, हमने फ्रेगमेंटेशन से पढ़ा और हमने ट्रू रीजनरेशन, और इसमें यही सारे एग्जांपल्स लिखे हैं। तो ईच एंड एवरी पॉइंट इज इन द एनसीईआरटी। आ गया व्हेन इट कम टू द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, हम अगर यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे बैक्टीरिया है, यूनिसेल्युलर एल्गी है, अमीबा है, ऑलरेडी हमने बात की थी। इसमें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में नंबर ऑफ सेल ही तो बढ़ रहे हैं, एंड नंबर ऑफ सेल्स का बढ़ना ये क्या है? ये ग्रोथ भी तो यही था, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दे आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ ना। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिप्रोडक्शन इज सिनोनिमस विद द ग्रोथ, दैट इज द इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू इन द नोट्स। क्लियर? सब कुछ नोट्स में है, आ जाओ आगे। आगे वो क्या कह रहा है? वी ऑलरेडी डिफाइंड ग्रोथ इज इक्विवेलेंट टू इंक्रीज इन सेल नंबर और सेल मास, तो इसीलिए सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, तो मतलब ये पूरा उसने यही बता दिया कि फॉर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द यूसेज ऑफ दिस टू टर्म, दैट इज द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, यानी कि ये सिनोनिम्स हैं, दे आर वन एंड द सेम थिंग, ठीक है। हैंस अब छब वो कह रहा है फर्दर देयर आर मेनी ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते ही नहीं है। मैंने बताया था दिस इज ऑल्सो द नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ना, क्यों? कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऐसा नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन ना होता हो, सॉरी कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो ऐसा नहीं है जिसमें रिप्रोडक्शन होता हो, बट कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जरूर ऐसे हैं जिसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता। हमने उसके एग्जाम्पल पढ़े थे, वही दे रखा है, म्यूल, स्टराइल वर्कर बीज एंड इनफर्टाइल ह्यूमन कपल। तो रिप्रोडक्शन इज ऑल्सो नॉट, ऑल्सो कैन नॉट बी द डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग, ये भी नॉन डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो गया इसलिए, क्योंकि इन दोनों के अंदर एक्सेप्शंस हैं। फिर हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस विच इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, उसका एनसीईआरटी डीकोड कर लेते हैं। देखो अब वो कह रहा है अनादर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। अब सबसे पहले बताएगा कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा था? ऑल द केमिकल रिएक्शन, सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी, ये मेटाबॉलिज्म है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ केमिकल, ये छोटे बड़े हो सकते हैं, आपके फ्री भी साइज के हो सकते हैं, फंक्शन अलग अलग हो सकते हैं। दीज कन्वर्जन आर केमिकल रिएक्शन और द मेटाबॉलिकल रिएक्शन। तो हमारे अंदर देर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शन जो एक साथ हमारी बॉडी के अंदर चल रही होती है, because they are unicellular, all the plants, animal, fungi, microbes exhibit the metabolism. As I already discussed, the sum total of all the chemical reaction occurring in our body, ये metabolism है। कोई भी non-living object ऐसा नहीं है, no non-living object exhibit the metabolism, metabolic reaction, तो ये defining property हो गया।
फिर हमने वो वाला एक एग्जांपल पढ़ा था कि जो मेटाबॉलिक रिएक्शन जैसा आपकी बॉडी में हो रही है, आप उस सेम एक रिएक्शन को आप बाहर लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे हैं इनविट्रो, तो उसको आप लिविंग मानेंगे क्या? वो लिविंग रिएक्शन है, उसे आप लिविंग थिंग नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि मेटाबॉलिज्म, विच इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज नॉट अबाउट वन और फ्यू केमिकल रिएक्शन, इट इज अबाउट द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन दैट अकर इन आवर बॉडी एज इट इज. आपको यहां लिखा है, देखो, मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम, ठीक है, आउटसाइड द बॉडी ऑफ और परफॉर्म्ड इन अ टेस्ट ट्यूब. इसे ना लिविंग कहेंगे, नीदर लिविंग है नॉर नॉन लिविंग है. वाइल मेटाबॉलिज्म जबकि डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिज्म का विदाउट एनी एक्सेप्शन, पर वो जो आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हम बाहर कर रहे हैं, दे आर नॉट लिविंग थिंग बट श्योरली दे आर द लिविंग रिएक्शन. क्यों? As I told you, क्योंकि metabolism is not about one or few chemical reaction, it is about all the chemical reaction that occur in our body. Already discussed. जो बच्चों ने first lecture और second lecture नहीं लगाया है, please NCERT decode के पहले वो recorded जरूर देख लें, क्योंकि उसी के बाद आपको NCERT बिल्कुल ऐसे लगेगी हलवा कि हाँ मैम सब कुछ notes में अच्छे से है. ठीक है, चलो आ गया हूँ. Next, cellular organization के बारे में. नेक्स्ट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में दे रखा है. सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है. दिस इज द मोस्ट ऑब्वियस एंड टेक्निकली मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज द एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग ऑन एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्ड टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुलाई, जो कि फिजिकल स्टिमुलाई, वो फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है. कॉन्शियसनेस की बात कर रहा है अब वो. We sense our environment through our sense organ. Plants भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ना, light, water, temperature, pollutants, lichen, SO2 sensitive होते हैं, तो ये सब इनको respond कर तो पाते हैं, photoperiodism होता है तभी तो. Animal seasonal breeders होते हैं pollutant को, lichen, तभी तो SO2 polluted area में नहीं grow करता, यानी कि उनके अंदर भी ये सब है. तो जितने भी organisms हैं, from the prokaryotes to the most complex eukaryote, they can sense and respond to the environmental. Photoperiodism affect the reproduction in the seasonal breeders, both plants and animals. पढ़ा ना हमने seasonal breeders होते हैं, photoperiodism का role क्या है. तो all organism handle the chemical entering their body, that's why this is a consciousness, इसीलिए term use कर लिया ना, becoming the defining property of living organism. लेकिन अब अगर मैं इसमें human beings की बात करूँ, तो हमने बताया था कि हमारे पास well developed nervous system है, supreme level of communication skill है, तो हमारे अंदर self consciousness होता है. देखो, when it come to the human being, it is all the more difficult to define a living state. क्योंकि मान लीजिए हमने brain dead coma patient वाली बात की थी. We observe patient lying in the coma in hospital, supported by machine which replaces the heart and lungs. इसका brain dead है, इसमें self consciousness नहीं है, लेकिन consciousness इसके अंदर होगा, तो इसे आप living मानोगे या non living मानोगे, तो हमने बात की थी कि इसे आप living consider out करेंगे. You will come to know that all the living phenomena are due to the property of tissue cannot. ये पूरा उसने वही राम कहानी दे रखी है, तो मैं इसको आगे नहीं पढ़ रही, ये तुम कर लेना, ठीक है. अब ये diversity in the living organism, इसमें ये पूरा nomenclature पढ़ा रखा है, ICBN के rules and regulations हैं, ठीक है, ये मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ. यहाँ तक क्लियर हो गया क्या बेटा? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्शियसनेस. ये पहला लेक्चर का पूरा NCERT डिकोड हो गया, दूसरा लेक्चर का भी हाफ का कर चुकी है, ICBN और पढ़ाना है मुझे, तो मैं अभी सेकंड लेक्चर में ICBN भी पढ़ा दिया था ना पूरा. तो ये देख लो, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. इफ यू लुक अराउंड यू विल सी हमारे पास लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे इंसेक्ट्स हो, चाहे बर्ड्स हो, पेट्स हो, एनिमल्स हो, सबकी बहुत सारी वैरायटी है. देर आर ऑल्सो सेवरल ऑर्गेनिज्म दैट यू कैन नॉट सी विद योर नेकेड आई. आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप वगैरह की जरूरत होती है, लेकिन वो हमारे आसपास तो है. इफ यू वर टू इंक्रीज द एरिया दैट यू मेक ऑब्जर्वेशन इन द रेंज एंड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट, मतलब अगर आप शायद रेंज बढ़ाओगे, आप जितना ज्यादा एरिया एक्सप्लोर करोगे, आपको ये जो वैरायटी है ना, जो डाइवर्सिटी, ये भी बढ़ती जाएगी, ठीक है. खैर हम ये पढ़ते भी हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगी ये स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप, इकोलॉजी में पढ़ते हैं हम, 12th का टॉपिक है, लेकिन ये जब आएगा तभी पढ़ाऊंगी मैं आपको. वो यही कहता है कि जैसे जैसे आप एरिया एक्सप्लोर करोगे, ज़्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज बढ़ती जाएंगी, बट अप टू अ लिमिट, उसके बाद नहीं बढ़ती, ठीक है. द नंबर ऑफ स्पीशीज याद रखना, दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड, इट इज, मैंने अभी तक नोट्स में नहीं लिखा है, मैं स्पेशल पॉइंट में लिखवाती, बट मैं अलग से नहीं लिखवा रही, प्लीज अपनी नोटबुक में नोट्स में ऐड कर लेना. नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन और जो अभी तक डिस्क्राइब की जा चुकी है, इट इज अबाउट
1.7 to 1.8 मिलियन है ये, प्लीज इसे नोट आउट कर लें. नंबर ऑफ स्पीशीज दैट आर नोन एंड डिस्क्राइब्ड रेंज 1.7 टू 1.8 मिलियन, इसे बायोडाइवर्सिटी कहते हैं. ठीक है, वी शुड रिमेंबर हेयर दैट जितना ज्यादा, हाँ वो ये हो गया ये कि जितना ज्यादा आप एरिया एक्सप्लोर करोगे ये होता जाएगा, कंट्री टू कंट्री ये बढ़ता जाता है. अब ये नॉमनक्लेचर के बारे में बात कर रहे हैं. ऑब्वियसली नॉमनक्लेचर यानी कि नामकरण संस्कार, नेमिंग इज ओनली पॉसिबल जब आप उसे करेक्टली डिस्क्राइब करोगे. आइडेंटिफिकेशन नॉमनक्लेचर में मैंने पता नहीं ये लिखा है कि नहीं लिखा है, शायद नहीं लिखा है मैंने, मैं बता देती हूँ. इसमें स्टेप्स होती है, एक आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है, सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन है, मैं यहाँ लिख देती हूँ आप लिख लेना, मैं बता देती हूँ आपको इसमें क्या क्या स्टेप्स आती. एक तो है आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, अरे यहाँ लिख रही हूँ, मेरे पास उधर स्पेस कम है. सबसे पहला स्टेप है आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, फिर सेकंड स्टेप है नॉमनक्लेचर, आप उसका नामकरण संस्कार करेंगे अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल रूल्स. फिर तीसरा स्टेप है क्लासिफिकेशन, आप उसे कन्वीनियंट कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई करेंगे बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, क्लासिफिकेशन. और फिर है एफिनिटीज, दैट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिखवाऊंगी मैं अभी, अभी मैंने पढ़ाया नहीं है तो मैं अभी मैं लिखवाऊंगी ये, ठीक है, मैं जब टैक्सोनॉमी पढ़ाऊंगी ना तब मैं करवाऊंगी. तो ये टैक्सोनॉमी का ही पार्ट है, तो मैं अभी इसको छोड़ती हूँ, मैं डायरेक्टली आईसीबीएन पे आ जाती हूँ. क्योंकि मैंने कहा था कि मैंने अभी तुम्हें ओल्ड टेक्स्ट सिस्टमैटिक्स नियो सिस्टमैटिक्स अभी नहीं पढ़ाया है, उसी में मैं यहाँ पर ये भी पढ़ाऊंगी आइडेंटिफिकेशन क्लासिफिकेशन नॉमनक्लेचर वाला, तो मैं तभी करवाऊंगी ये वाला पैराग्राफ तभी पढ़ाऊंगी. मैंने जो पढ़ा दिया पहले मैं उसका आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर एनसीईआरटी ने, देखो ये पुरानी वाली है, मतलब यहाँ पे मेरे पास आईसीबीएन का फुल फॉर्म दे रखा है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमनक्लेचर दे रखा है, विच इज इनकरेक्ट वन, करेक्शन मैंने आपको करवाया था. अपडेटेड वर्जन जो है न्यू एनसीईआरटी में ऑफ कर भी दिया है, फोर नहीं है ये, गलत है, प्लीज इसे ऑफ कर लेना, ठीक है, एनसीईआरटी ने गलत दे रखा है ये. नई वाली एनसीईआरटी जिनके कुछ बच्चों के पास हो सकता है पुरानी भी हो, जैसे मेरे पास यहाँ पे पुरानी ओपन हो रखी है. इट इज नॉट फोर, इट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमनक्लेचर, ये याद रखना, ठीक है. और आईसीजेडएन इट इज द इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमनक्लेचर, इसकी सही दे रखी है, ठीक है. तो ये है, बाइनोमियल सिस्टम पे आ जाती हूँ मैं. तो इनके ईच, सबसे पहला जो है, ईच नेम हैज टू कॉम्पोनेंट, एक जेनरिक नेम होता है, एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, ठीक है, ये बाइनोमियल नॉमनक्लेचर यही कह रहा है. लीनियस साहब को बोलते हैं अपन फाउंडर ऑफ बाइनोमियल सिस्टम, तो जैसे मैंगो का एग्जाम्पल दे रखा है अब उन्होंने, तो ये देखो यूनिवर्सल रूल ऑफ नॉमनक्लेचर आर एस फॉलो. देखो बायोलॉजिकल नेम आर जनरली लेटिन लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है, इटैलिक्स में लिखते हैं. द फर्स्ट वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम रिप्रेजेंट द जीनस, सेकेंड कॉम्पोनेंट स्पेसिफिक एपिथेट होता है. बोथ द वर्ड इन ए बायोलॉजिकल नेम, अगर आप हैंड रिटन लिख रहे हो तो आपको सेपरेटली अंडरलाइन करना पड़ेगा, प्रिंटेड फॉर्म में है तो इटैलिक्स में लिखना पड़ेगा टू इंडिकेट देयर लेटिन ऑरिजिन, ठीक है. अब फिर हमने बात की थी कि द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट फ्रॉम ए कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट का पहला वर्ड स्मॉल लेटर से होना चाहिए, जैसे कि मेंजिफेरा इंडिका में दे रखा है. नेम ऑफ द ऑथर अपीयर टू द, फिर ये देखा, एंड इज रिटन इन, ये जिन्होंने ये नॉमनक्लेचर दिया है, नेम ऑफ द ऑथर अपीयर आफ्टर द स्पेसिफिक एपिथेट एट द एंड ऑफ द बायोलॉजिकल नेम, ठीक है. मेंजिफेरा इंडिका लीनियस, इट इंडिकेट दैट कि इसको सबसे पहले लीनियस ने ही डिस्क्राइब किया था, यानी कि नेम ऑफ साइंटिस्ट हु प्रपोज द नॉमनक्लेचर, ये उसके बाद में लिखा होना चाहिए. सिंस इट इज नियरली पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज नेसेसरी टू, ये तो इसलिए हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी. क्लासिफिकेशन ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, हम तो मैं ये नहीं पढ़ा रही, मैं सिर्फ अभी आपको आईसीबीएन के रूल्स एंड रेगुलेशंस पर ही आ रही हूँ, ठीक है. टैक्सोनॉमी नहीं पढ़ाया ना मैंने अभी, ओल्ड सिस्टमैटिक्स नहीं, ओल्ड सिस्टमैटिक्स ये नहीं पढ़ाया, इसलिए मैं अभी ये नहीं पढ़ा रही. तो आईसीबीएन के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें देखें जो हम पढ़ चुके हैं, ओल्ड सिस्टमैटिक्स न्यू सिस्टमैटिक्स नहीं पढ़ाया. फिर अभी हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज पर आए थे, ठीक है. टैक्सोनॉमिक हायरार्की पता दिया, असेंडिंग और डिसेंडिंग अरेंजमेंट ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, जिसे आप टैक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं, ठीक है. हर एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को आप टैक्सोन कहते हैं, ठीक है. ये हमने ऑलरेडी यहाँ पर ये डिस्कस किया. अब इसमें 7 ऑब्लिगेट और ब्रॉड असेंशियल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज दे रखी होंगी,
इसने ये ऐसे एक एक का नाम अलग अलग दे रखा है, ये तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसे देख लो, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी शोइंग द हायरार्कियल अरेंजमेंट, किंगडम, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। इनके बारे में जो छोटा छोटा दे रखा है ना, नहीं पढ़ना तुम्हें, बस मैंने जो पढ़ाया इसमें सिर्फ आप, और ये सब कैटेगरीज जो है ये, इसके बारे में मैंने अभी पढ़ाया नहीं है, ये मैं अभी आपको सब कैटेगरीज लिखवा रही हूँ। ये टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज के ये एग्जाम्पल्स, ये वाला चार्ट देख लेना, इतना तुम्हें आना चाहिए। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सिर्फ जितना पढ़ा उतना, ये किंगडम के बारे में, डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज का जो एक एक पैराग्राफ दे रखा है, स्किप मार दो, कुछ नहीं पढ़ना। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में सिर्फ मैंने जितना पढ़ा है उतना पढ़ लेना। साथ साथ ये देखो, मैन का बायोलॉजिकल नेम दे रखा है होमो सेपियंस, तो होमोजीनस नेम हो गया, फैमिली क्या है, ऑर्डर क्या है, क्लास क्या है, फाइलम क्या है, ये हाउस फ्लाई का, मैंगो का, वीट का, याद रखना ठीक है, क्योंकि ये एनसीईआरटी ने दे रखा है, तो ये चार्ट एक बार आप देख लेना ठीक। टैक्सोनॉमिकल एड्स मैंने अभी पढ़ाई नहीं है, तो मैं ये नहीं कर रही हूँ अभी। सिस्टमैटिक्स, नियो सिस्टमैटिक्स ये नहीं हुआ है, ये यहाँ पे दे रखा है, ये दे रखा ना सिस्टमैटिक्स के बारे में, ओल्ड सिस्टमैटिक्स, नियो सिस्टमैटिक्स, तो ये मेरे को भी आपको पढ़ाना है ठीक है, ये मेरे को आपको पढ़ाना है। ICBN के रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज मैं आपको पढ़ा चुकी, एडिशनल कैटेगरीज के बारे में मैं आपको भी पढ़ाऊंगी ठीक। यहाँ तक क्लियर हुआ? इसके बाद NCERT ने डायरेक्टली, इसके बाद ये हर्बेरियम शीट वाला, ये टैक्सोनॉमिकल एड्स जो दे रखे हैं ना, बॉटनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, ये जो सारा कुछ दे रखा है, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम की, ये मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो एक काम करते हैं, ये मैं नेक्स्ट क्लास में प्रोसीड कर लेती हूँ, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे ठीक है। नेक्स्ट, इन नेक्स्ट क्लास वी विल एंड अप विद दिस चैप्टर। सो या आज के लिए इतना ही। मैं आपको पूरा 5 कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग का NCERT डिकोड कर चुकी, बायनोमियल सिस्टम ICBN का NCERT डिकोड कर चुकी, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में मैंने बहुत ज़्यादा वर्ड टू वर्ड नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ना, जितना मैंने पढ़ा उसमें उतना ही आता है। असेंशियल के बाद अलावा जो एडिशनल टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है वो मैंने नहीं पढ़ाया है, तो मैंने अभी उसको NCERT से नहीं पढ़ाया, पहले मैं खुद पढ़ा दूँ ठीक है, वो सिर्फ उतना ही पढ़ लेना। टैक्सोनॉमिकल एड्स जो इसमें दे रखा है, पहले मैं खुद पढ़ाऊंगी फिर उसका NCERT डिकोड करूंगी। और एक आपने देखा होगा NCERT में एक चीज़ और छूटी है, जो सिस्टमैटिक्स, नियो सिस्टमैटिक्स वाली है ना, तो वो मैं आपको पहले खुद पढ़ाऊंगी, तो फिर आप उसका NCERT देख लेना। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, दैट विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर, वी विल एंड अप विद दिस। नेक्स्ट मैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन फिर आपके साथ शुरू करूंगी। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को शुरू करने, आई विल अनाउंस अ डेट, ओके, इन द नेक्स्ट क्लास आई विल अनाउंस अ डेट तुम्हारा, क्योंकि ये चैप्टर तो बहुत छोटू सा है, तो नेट्स लिविंग वर्ल्ड का अकेला नहीं लेती मैं, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन दोनों का एक टेस्ट लूँगी तुम्हारा, सो बी रेडी फॉर दैट। मैं हो सकता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बीच में ही टेस्ट ले लूँ, क्योंकि कल मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तो इसके सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप तैयार रहिएगा, आप अपने नोट्स पढ़कर बैठना। NCERT में साथ साथ डिकोड करवा दी, आज के बाद NCERT पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, सारा कुछ मैं क्लास में इसलिए करवा रही हूँ। सो मेक इट श्योर आप इतना पढ़कर बैठेंगे जिससे कि चैप्टर खत्म हो, तो मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लूँ तो तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। सरप्राइज टेस्ट मैं लाइव आकर ही लूँगी, और आपको नोटिफिकेशन चैनल पर, इसलिए कहती हूँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो जिससे कोई नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो चैनल पर भी मिलेगा, प्लस मेरा टेलीग्राम आपको से जुड़ना है, टेलीग्राम पर भी आपको नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा जिससे कि आप कुछ भी मिस ना करें। तो बस आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में वी विल एंड अप विद दिस चैप्टर ठीक है। तो बस आप फिर मेंटली प्रिपेयर रहिएगा कि कभी भी टेस्ट हो सकता है, नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर वीडियो पसंद आया, अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड शेयर द लिंक एज मच एज यू कैन। चैनल पे नए हैं, इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। मेरे सारे हैंडरिटन नोट्स के लिए, स्टडी मटेरियल के लिए, मेरे सारे अपडेट्स के लिए, आपके और हमारे कॉन्वर्सेशन का एक जरिया है मेरा टेलीग्राम चैनल, डॉक्टर शिवानी भार्गव के नाम से है, जिसका लिंक वीडियो की शुरुआत में दे रखा है, तो आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए। और सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी क्वेरी के लिए वीडियो के शुरुआत में कॉन्टैक्ट नंबर है, आप उस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे संपर्क कर लें। थैंक यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।